वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2023 सुजुकी एक्सेस 125 OBD2 वाला मॉडल का 5 डिसएडवांटेजेस के बारे में। इससे पहले आपको एक थोड़ा एक बात बता देता हूँ, बहुत सारे बंदे आ रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं बिना लाइक करे और सब्सक्राइब करे जा रहे हैं। आप एकदम से तो सब्सक्राइब नहीं कर सकते, मैं ये भी मानता हूँ, हम भी ऐसे करते हैं, पर आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, दूसरे भी बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे चैनल पे, उसके बाद जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर देना। नंबर पे बात करते हैं एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप के ऊपर, तो इसमें आपको एक्सटर्नल तो मिल जाता है पर इसको आपको चाबी से खोलना पड़ता है। कैन नंबर पे बात करते हैं सर्विस कॉस्ट के ऊपर, ये ऑब्वियसली सुजुकी एक जापानी से तो थोड़ा आपको ज्यादा मिलता है सर्विस कॉस्ट कंपेयर टू अदर कंपनी। नंबर पे बात करते हैं इसके स्टेबिलिटी के ऊपर, क्यों मेरे को ऐसा लगा कि इसको चलाते हुए थोड़ा लोअर स्पीड पे इसका फ्रंट एंड थोड़ा ज्यादा हल्का है, इसके वजह से थोड़ा हैंडल हिलते रहता है। नंबर पे बात करते हैं सुजुकी की जो सेल्स और सर्विस नेटवर्क है वो इतना अच्छा नहीं, सिर्फ बड़े बड़े सिटी में ही मिलता है आपको। फिफ्थ नंबर पे बात करते हैं पार्ट्स की, तो इसका जो पार्ट्स थोड़ा महंगा रहता है अदर कंपनी के कंपैरिजन में, पर इनका क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छा था और ये कंपेयर टू अदर कंपनी और बहुत दिन भी चलते हैं। था 5 पॉइंट्स, आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक कर दो।